तो भैया बोल रहे कि इसको कई लोग ऐसे चैलेंज करते हैं अपनी जान के साथ खेलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। तो हमारे आज के विनर है वो, क्या खाना है आपने, क्या खाना? आते शुरू हो गया ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का मौसम चेकआउट करो, देखो तो सही, बारिश हो रही है भाई, बुरी तरह बारिश हो रही है। और मौसम और एक नई खबर है, लाहौल में 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी है, लाहौल स्पीति में, और सोलंग नाला ऊपर टॉप पूरी तरह से पैक है। और खुशखबरी एक और है, सोलंग नाला से ऊपर जो रोहतांग पास है वो भी खुल चुका है, बट शायद 1-2 दिन के लिए फिर से बंद हो जाएगा, पर उसके बाद ये खुल जाएगा परमानेंट के लिए। तो नई खबर तो यही है कि सोलंग ये रोहतांग पास खुल चुका है भाइयों, वो कभी भी आप लोग नीचे से आओ, अपना फुल एंजॉय करो। अब आएगा मज़ा असली। तो अब आपको पूरा टूर दिखाएंगे जो हमारा स्पेशल जो होता है 3 दिन का, जो सोलंग वैली से होके अपना रोहतांग पास, सिसु, अटल टनल सब कवर हो जाता है उसमें। तो कोई भी आना चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। वो अभी फिलहाल फटाफट निकलते हैं मनाली। वैसे मैं किसी काम से जा रहा हूँ मनाली में, आज का पैकेज पुकेज का कुछ भी नहीं है, किसी को मुझे सामान देना है, तो मम्मी का कॉल आया था, वो सामान दे के फिर मुझे वापस आना है भाई। मौसम तो ऐसा हो रखा है जैसे सर्दियाँ हैं, और गर्मी के टाइम में सर्दी का मजा भाई, यही तो है मनाली में मजे। तो सो भैया जी अपन फ्री हो चुके हैं सामान वामान दे के, तो अभी अपन निकलते हैं सीधे घर की ओर, काम मेरा हो चुका है और बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्योंकि जल्दी में थे जिनको मैंने सामान देना था वो थोड़ा जल्दी में थे, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, खाली चाय पिया था। तो अभी निकलते हैं सीधे घर की ओर और मिलते हैं आपसे सीधा घर में। और दोस्तों एक और बात, मैडम जी मेरी ना दाढ़ी के पीछे पड़ी हुई है, बहुत बोल रही है, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या मैं इसको काट दूं, अपनी जैसे पहले रखता था वैसे ही, कम दाढ़ी रखता था वैसे रखूं या बढ़ाऊं, कमेंट जरूर करें बताएं, तभी मैं, अगर आपका कमेंट ज़्यादा होगा कि काट दो तो मैं काट दूंगा, अगर कम होगा तो नहीं काटूंगा। तो कमेंट जरूर करें, देखते हैं क्या लगता है, क्या आप लोगों को मैं दाढ़ी में अच्छा लगता हूं या बिना दाढ़ी के। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं घर, आप पीछे देख रहे होंगे भैया भी आज बंद है, क्योंकि आज सब छुट्टी मना रहे हैं। युवराज वैसे अपना पाइपिंग वगैरह निकाल के रखा हुआ है इसने, बट अंदर बैठा हुआ है क्योंकि मौसम ही ऐसा है, मन भी कर रहा है घर से बाहर निकलने का, पर मुझे जाना था किसी काम के लिए। क्या देखो चोर जैसे छुप छुप के देखता था नोवा। सो भाई साहब आज मैडम जी ने स्पेशल बनाया बिरयानी, बिरयानी की शक्ल दिखाते हैं आपको, ये देखो बिरयानी, अभी टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो ये है एग बिरयानी, टेस्ट इसमें सही है, राइस इसमें दूसरे नॉर्मल वाले हैं, पर इसके लिए दूसरे राइस चाहिए, पर अच्छी है खाल पे। वो क्या खाना है आपने, क्या खाना? केक। तो बल्लू को लगी है ये डब खाली डब्बा लेके घूम रहे हैं दरबार, ये केक का डब्बा देखो पपागा, ये जाएंगे पापा भी जाएंगे केक। क्या चाहिए पापा, क्या चाहिए बताओ ना मुझे। तो बल्लू के लिए हम केक भी लेके आएंगे, अभी जाएंगे हम पतलीकुल, पतलीकुल से केक लेके आएंगे। वैसे हम लोग वॉक पे जाने वाले थे बट बाहर हो रही है बारिश, और 2-3 दिन से मौसम ऐसा खराब चल रहा है कि मौसम तो खराब है मूड भी खराब है ना पापा, बारिश ने परेशान करके रखा है, ना कुछ काम धंधा करने के लिए ना कुछ, तो करे तो करे क्या, अभी क्या करें हम, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, पढ़ेंगे हेल्प क्या करेंगे यार, काम में मजा तो वहां आता है जहाँ पैसे मिलते हैं, घर के काम में मजा ही नहीं आता। क्यों दोस्तों है ना पापा, बताओ ना मुझे, बल्लू भी वही काम करता है जहाँ इसको रिश्वत मिलती है, जब इसको रिश्वत देंगे तब फट बोलेगा, जो चीज बोलेंगे किसी करने को बोलेंगे कुछ भी करने को बोलेंगे फटाफट करेगा, जब तक रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक ये भी कुछ नहीं करेगा। पापा क्या कर रहे हो, जाने की इतनी खुशी खुद से शूज पहन रहे हैं पापा, जल्दी पहनो जल्दी फिर जाना, हमने लेट हो जाएंगे। पहनाएंगे पापा आपको, मम्मी पहनाएंगे, मतलब इतनी खुशी शूज खुद ही पहन रहा है बल्लू, और बात छोड़ देखो
कि उसे लेटा हुआ। चोर 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 मोटू बढ़िया बिस्तर देंगे, वहां लेटेगा ही नहीं। और इसने ना कल अपना बिस्तर फाड़ दिया, नया बिस्तर दिया था इसको, और वो भी कालीन। कालीन देखा ना मम्मी ने वीडियो, फिर सुनने पड़ेगी गाली। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा कालीन फाड़ा इसने। चलिए 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 चलिए, अब ये चलिए बोलेंगे कैसे फटाफट। यहाँ देखो ये वाला, ये नया कालीन था और इसने ना इसमें बीच में छेद कर दिया कहीं। ये देखो ये सब फाड़ दिया इसने, इस चोर ने। नोआ बदतमीज कहीं का, ये क्या किया हैं? क्या किया ये? बदतमीज कहीं का, आते ही शुरू हो गया ना। वो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठे, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बैठ जाओ। साथ ही बैठ जाते थे आपको, मैं खाऊंगा डोनट और बल्लू तो खा रहा है। ये क्या है, ये पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, ये छुपा छुप है। और क्या ला रही हो? सुनो एक डोनट बोला, डोनट मैं खाऊंगा, नहीं डोनट एक डोनट। बाकी आप देख लो क्या खाना, मैं तो डोनट ही खाऊंगा। और बल्लू देखो साथ में ऐसी ऐसी आइटम लेके घूमता रहता है। सो बल्लू की पेस्ट्री आ गई है, केक बाबा केक है ये, वो पेस्ट्री नहीं है। केक खाओ, हम करो जल्दी जल्दी जल्दी, हम खा लो बराबर। दो बर्गर ऑर्डर किया था ना आपने, तो फिलहाल पहले तो बर्गर ही, मेरे लिए डोनट बोला आपने, डोनट भी खाएंगे। खाओ बाबा हम करो, तो भी अपना डोनट भी आ गया। बोलो थोड़ा सा हम करो, टेस्टी होता है ये तो, टेस्टी अमेजिंग। तो पतली कुल में भी आ चुके हैं कोरियन नूडल्स, एक है सुपर स्पाइसी वाला और एक दूसरा है शिन लैम्यू। मैं तो बोल रहा था इसको ट्राई करके देखते हैं। हाँ फिर इसका रिव्यू देंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी है और ये नॉर्मल है, आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना तो इसका जितना बच्चे वो सॉस से पूरा डाल दीजिए, और कम खाना तो उसका कम क्वान्टिटी में डाल दीजिए। थैंक यू, हाँ बल्लू को भी चलो बाबा चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई साहब अभी हम पहुँच चुके हैं घर में और अभी हम बना रहे हैं सुपर स्पाइसी कोरियन नूडल्स। कोरियन नूडल्स दो फ्लेवर लाए, एक लाए सुपर स्पाइसी और एक है नॉर्मल वाला। तो पहले आज हम ट्राई करेंगे एक ये, बिकॉज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है भाई साहब, 110 रुपए का था। 110 रुपए का एक तो है, तो पहले एक ट्राई करेंगे फिर दूसरा बाद में ट्राई करेंगे। तो चलो इसको बना लेते हैं। चिली फ्लेक्स पूरे के पूरे डाल दूं? डाल दो, ये बहुत स्पाइसी है। सो भाई जी अपनी नूडल्स रेडी है, बट इसको हम देखते हैं ट्राई करके हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और जो वहाँ पे जब हम खरीद रहे थे तो एक मैडम जी बोल रही थी कि भैया बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, खाया नहीं जाता है। और वो भैया बोल रहे कि इसको कई लोग ऐसे चैलेंज करते हैं अपनी जान के साथ खेलते हैं, भैया बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बट देखते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कैसा है। और बल्लू तो वैसे भी खा नहीं पाएगा तो मैडम जी को देखते हैं, इसलिए एक आने के लिए नहीं है, एक है राधिका के लिए जो मेरी छोटी सिस्टर, चलो उसे बुलाते हैं। तो देखते हैं ट्राई करते हैं, आ जाओ बाबा बाहर आ जाओ, ट्राई कर रहे हैं। ए पापा बहुत मिर्ची है इसमें, वो बटे वैसे खा तो जाता है लेकिन इसमें बहुत मिर्ची है। वाओ रुको ना बेटा, एक तो नूडल्स ऊपर से स्पाइसी, इसको स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है।
लगी सुसु लगी सुसु तो थोड़ा सा ऐसे तो कर लिया बट लेट्स ट्राई। आया ना, रेगुलर खाएंगे तब नहीं होगा, मतलब कंटिन्यू खाते रहेंगे तब अभी तक तो जैसे अभी खा रहे वो लगा मीना आने के लिए स्पाइसी है, जब भी मीना मतलब पीना दे रहे पापा दे रहे हैं, दो प्रकट। तो ये आ गई है मेरी छोटी सिस्टर, हमने तो ट्राई कर लिया, लेट्स सी इसको कैसा लगता है। पूरा नहीं है ये सबके लिए, ओनली वन है। पूरा और उठाओ और इतनी मिर्ची इसको स्पाइसी लगा बट स्पाइसी नहीं लगा क्योंकि आप ज्यादा खाती हो ना। हाँ, मैं स्पाइसी खाती हूँ। मैं क्या खाती हूँ? लाफिंग। मैं स्पाइसी से स्पाइसी लाफिंग खाती हूँ, तो मुझे ये स्पाइसी कोरियन नूडल्स नहीं लगा। स्पाइसी आई कैन हैव इट। उसने भी एक की खाया और शुरू शुरू करने लगा। चैलेंज में नहीं आता। आई कैन हैव इट नॉर्मली। सो अगर हम चैलेंज भी करते तो कौन था क्लियर कट विनर? आप नहीं होना था। यार मेरे मुझे नहीं लगा स्पाइसी वाला इसका पैकेट। oh, no! अभी ये नॉर्मल वाला ये इसका पैकेट है। हाँ। ये ठीक है, ये मिर्ची सादा है, इसमें मिर्ची कम है। हाँ, ये तो खा सकते हैं। कम वाला है, कम वाला वो ब्लैक वाला था ना, ये तो नहीं खाए। ये तो भगवान चार चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाए। सो आई एम द क्लियर कट विनर। मैं जीत चुकी हूं। अब तो ये वाला बल्लू भी खाएगा। टेस्ट करो ये वाला। दो इसको दो पहले। ये इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये नॉर्मल है। हमारे आज के विनर है मैडम जी, हम लोग तो हार गए। ऑल बी द विनर जब सादा वाला खाएंगे तो। सादा वाला है। चैलेंज थोड़ी है। खाओ बाबा बाकी ये वाला तो खाएगा ही आराम से। और अभी हम CIT देख रहे थे तो ये देखो मनाली का सीन आ रहा है वहां पे। नजदीक से दिखा। हाँ, मनाली का है ये, सोलंग नाला। ये देखो पीछे बर्फ। नहीं सर, वो तो बहुत खुश था, कह रहा था ये कौन होगा, पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलने वाले सर? कहीं ये करेंसी रिंको की बात नहीं कर रहा? वीडियोग्राफी बहुत पुराने लेवल की है। हाँ, ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत पुराना है बट ये मनाली का है, सोलंग नाला। सोलंग नाला का मैं CID देख रहा था तो मेरे नजर पड़ी एकदम ही, मैंने कहा जानी पहचानी सी जगह लग रही है। बाबा बाय बोल के कहाँ जा रहे हो? बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। पहले बाय कर दो। बाय बाय। अच्छा मम्मी भी बाय बाय। जाओ जाओ। बाय बाय।